नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा इस समय एक ऐसी दुखद खबर लेकर आया हूं जिसकी उम्मीद शायद ही मुलायम सिंह के परिवार ने की थी। पिछले काफी लंबे समय से मुलायम सिंह यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं और सपा यानी समाजवादी पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने वालों में एक व्यक्ति वो भी थे, वो हो या उनके भाई हो, सभी ने अपनी पार्टी को इस मुकाम में पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है, जमीन से जुड़ के यहां तक पहुंचे हैं। मगर आखिर पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से वो गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट थे और उन्होंने आज सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास उन्होंने आखिरी सांस गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में ली है। उनका परिवार लगातार उनसे मिलने आ रहा था, चाहे अपर्णा यादव हो या उनके परिवार के और भी सदस्य हों, लगातार उनसे मिल रहे थे आके, मगर आईसीयू में होने के कारण उनकी हालत लगातार क्रिटिकल बनी हुई थी। उनका ट्रीटमेंट चल रहा था मगर डॉक्टरों ने जब भी उनके उनके लिए बुलेटिन जारी किया, हेल्थ बुलेटिन, तो उन्होंने हमेशा ही बताया कि उनकी हालत में सुधार नहीं है, क्रिटिकल हैं और उनकी कंडीशन में अभी कोई सुधार हो नहीं रहा। इसी को देखते हुए मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, वो भी यहाँ आए। उन्होंने भी हालचाल लिया और काफी लंबे समय तक वो भी इनके साथ यहाँ रहे हैं। अभी भी वो हॉस्पिटल में मौजूद हैं और उनके परिवार के सभी लोग एक एक करके आ रहे थे, मिल रहे थे, क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा था कि उनकी तबीयत ज्यादा सीरियस है और कोई अनहोनी ना हो जाए। मगर हॉस्पिटल ने भी अपनी पूरी कोशिश की और वो भी आखिरी सांस तक अपने लड़ते रहे। आखिरकार अब यह दुखद खबर आई है, क्योंकि जिसका इंतजार किसी को नहीं था। सभी सोच रहे थे कि वह पहले भी एडमिट हुए हैं, स्वस्थ होकर इस बार भी घर जाएंगे, क्योंकि पहले भी एडमिट हुए हैं, स्वस्थ होकर घर गए हैं और अपने परिवार से मिले हैं, मगर इस बार ऐसा नहीं हो पाया। इस बार उन्होंने सोमवार की सुबह यानी आज 10 तारीख को सुबह 8:30 बजे के आसपास गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली और वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। यह मुलायम सिंह परिवार के लिए एक दुखद खबर है, क्योंकि उनके परिवार में मुलायम सिंह की एक अलग छवि थी और उनके आगे जल्दी से ना ही कोई अपना डिसीजन देता था और ना ही बोलता था। उन्होंने अपने पूरे परिवार को एक कड़ी में पिरो रखा था, एक सूत्र में पिरो रखा था और इसी कारण चलते आम चाहे जब जब भी किसी लोगों के बीच में रहे हो, मगर उनके साथ विवादों का भी रिश्ता रहा है। उन्होंने, आपको याद होगा, राम मंदिर का जब कार सेवकों का जो नरसंहार हुआ था, वो फैसला भी इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, जिसका लोग आज तक इस चीज से जोड़ के देखते हैं कि मुलायम सिंह यादव के टाइम में ये हुआ था और हिंदू लोगों यानी सनातनियों के ऊपर, साधु संतों के ऊपर इस तरीके का नरसंहार किसी भी राज्य की सरकार के कार्यकाल में पहली बार हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में जो कार्य सेवक थे वो मारे गए हैं। इनका यह जो कार्यकाल था वो इस कारण भी काफी विवादों में रहा है। मगर आज सुबह करीब 8:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में और यह दुखद क्षण इस समय मुलायम सिंह यादव परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एन भारत टीवी, दिल्ली।